सब शब्दों के साथ मैं भोजपुरी माटी के लाल, हम सब भोजपुरियों का मान सम्मान बढ़ाने वाले हम सभी के लोकप्रिय सांसद का जोरदार ताली बजाकर आपसे स्वागत करें मैं उनका आह्वान करती हूँ। इस रेवती की सेनानियों की धरती से मैं उनका स्वागत करती हूँ, क्रांतिकारियों की धरती से स्वागत करती हूँ। माननीय सांसद जी मनोज तिवारी के किसी, मनोज तिवारी के किसी, मनोज तिवारी के किसी, एक बार मिलके बोली 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 भृगु बाबा की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। हमरा लगत है कि लखनऊ में भी सुनाते हुई कुल दोनों मुट्ठी बांध के बोली काली मैया की जय। हमके लगत है दिल्लियों पहुंच गए, लखनऊ पहुंचता तो योगी जी भी सुनत हुई है और दिल्ली पहुंचता तो मोदी जी भी सुनत हुई है। और अगर आप लोग लाइव करत नहीं जा तो पता नहीं के देखता हो सकेला चंद्रमा पर भी देखल जात हो। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम बा हमार, दोनों हाथ उठा के बोली हर हर महादेव। हम जब वो जिंगा हेलीकॉप्टर के पास से चलनी है तो गाड़ी खड़ा रह लिया तो हम कहली कि लागत तक गाड़ी खड़ा करे वाले व्यक्ति मनोज के जानत नहीं खे। अभी हम ऐसे ही पैदल पैदल चले ली, रास्ता में केतकी भी मिल गई, मंच पे जेकर नाम छूट गेल हो तो क्षमा करब जा, समय के मर्यादा बा, अभी एक जगह और जाए के बाटे। और हमरे संगे निषाद समाज के एगो राष्ट्र स्तर के नेता, राज्यसभा के सांसद हमार भाई जयप्रकाश निषाद जी खातिर भी जोरदार ताली से उनकर स्वागत कर दी जा। यह प्रार्थना बा हमरा संगे अभी गोरखपुर से एगो ऐसन शख्सियत जे अब से 2 महीना पहले समाजवादी पार्टी छोड़ के पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी में रहले और वो अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके योगी जी के जितावे में लागल बड़े भानु प्रकाश मिश्रा जी का दिल भी ताली बजा देव जा तो अच्छा लगी। हमरे पास 2 गो है बढ़िया बढ़िया साल और गमछा मिलल आ एकरा के देखते हमारा दिमाग में चले लगता कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। अच्छा ऐसा सुन के आपको अच्छा लगता है ना, हमरा गावला के बाद भी इतना आनंद आवता कि काशी अब सजने लगा है। केवल कौन काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, बलिया भी सजने लगा है और बांसडीह में मोदी योगी धुन बजने लगा है। केत की बहना बढ़ने लगी है और इतिहास बनाने की ओर चलने लगी है, पर मंदिर जा
जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। बीच में कोई असुर न आए ताकि मंदिर कार्य धीमा न पड़ जाए। समझा तनी ना जुल को तनी हम कोनी के जैसे ही सुना तड़सन कि मंदिर अब बनने लगा है, लगा तटी कि पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे भैया, हमने किसी के दूसरे धर्म के किसी देवालय को हमने नुकसान पहुंचाने की बात थोड़े की है। हम तो कहते हैं सबका साथ, हम कहते हैं गरीब को अनाज आएगा तो हिंदू के घर में भी जाएगा और मुसलमान के घर में भी जाएगा। लेकिन वो कहते हैं भैया किसको वोट देना है, जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देना है। अब हम बड़ा चिंता में बानी कि भैया जब अनजवा आयल फ्री में कोविड में तो तोहरो घर गई, जब दवाई के फ्री 5 लाख के इलाज भइल तो तोहरो घरे गइल भैया, जब गरीब के शौचालय बनल तो तोहरो घरे बनल भैया, और जब कोनो बहिन गर्भवती भइल तो 5,000 रुपया ओकरो अकाउंट में गइल। न हिंदू दिखाइल न मुसलमान दिखाइल, केवल इंसान दिखाइल। अगर कोई गुंडागर्दी कैले होई वो हिंदू से कैले होके तब वो मुसलमान से कैले होके तब वो बाबा के बुलडोजर चढ़ल होई। वो तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं चढ़ता है ना भैया। लेकिन इसके बाद भी एक कम्युनिटी पता नहीं क्या हो गया, मैं हाथ जोड़ के, मेरे पत्रकार भाई मेरी बात को गलत मनसा से मत लीजिएगा, ऐसा क्या हो गया कि आप हर बात में कहते हैं जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। मैं उसका कारण ढूंढता रहा तो एक ही कारण आता है कि बीजेपी ने राम जी का मंदिर बनवाने का बेड़ा क्यों उठा लिया, इसलिए उसको हराना है। अब अगर ये बात है, हमारी गलती है कि हम राम के वंशज हैं, हमारी गलती है कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, आपको सिर्फ इतनी दिक्कत है कि तुम कृष्ण और राम का मंदिर क्यों बनाना चाहते हो, तब मैं बोलना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, जागो, इसको समझो। केतकी के जीत का अंतर 1.5 लाख नहीं, इसके जीत का अंतर 2.5 लाख से ज्यादा का होना चाहिए मेरे भाई। इस समाज के हर अंग को मैं बोलना चाहता हूं, आप यहां टिकट दो दोगे, यहां बाभन खड़ा कर दो, यहां ठाकुर खड़ा कर दो, वहां पासवान जी को खड़ा कर दो, वहां अनुसूचित जाति खड़ा कर दो, यहां पे निषाद जी को खड़ा कर दो, याद जरूर रखिएगा कि जिसको आप लोकल जिता रहे हैं उसका लीडर कौन जीतने वाला है, ये याद रखना पड़ेगा हमको आपको मेरे भाई बहन। इसलिए नहीं कि मनोज तिवारी किसी से भेदभाव करता है, हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर आपको राम और कृष्ण के मंदिर से, आपको बाबा विश्वनाथ के मंदिर से, आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने अगर राम जी का मंदिर बनाया है तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पंच तीर्थ भी बनाए हैं मेरे भाई बहन, पंच तीर्थ बनाए, पंच तीर्थ समझत नहीं जा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा भइले, जहां बाबा साहेब पढ़ले, लंदन में पढ़त रहले, लंदन के पूरा बिल्डिंग के सरकार खरीद के दुनिया के सुंदर पर्यटन केंद्र बनावतिया, कोई दूसर नहीं कैलस, वोट मंगले होई, लेकिन बाबा साहेब की अंतिम सांस जहां लिहले वहां भी अगर बिल्डिंग तान के पर्यटन स्थल बनौले बा तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, उनके साथी का नाम योगी आदित्यनाथ। आप लोग याद रखब जा, यही से मनोज तिवारी कहता हमरो सपना में एक दिन कृष्ण भगवान जी आई रही हो,
आई रही बड़ा कुछ देर बैठे रही सपना में। हम पूछली कि प्रभु एगो हमरे यहाँ टीपू भैया बाड़े तो कह तड़े कि रउआ उनका सपना में आई रही हाँ। तो कृष्ण भगवान बोलने कि ना ना वो झूठ बोलत रहे, हम उनके सपना में नहीं रहे। हमको विश्वास हुआ क्यों आप जानता नहीं। पहला बेर ऐसा मौका आयल बा कि मथुरा वृंदावन में पहली बार मांस मछली बेचना जोगी बाबा ने मना किया। इन लोगों का बस चलता तो दुनिया का सारा मांस मथुरा में ही बिकता, वृंदावन में ही बिकता, अयोध्या में ही बिकता। पहली बार योगी जी ने इसको रोका क्योंकि जहां भगवान राम आए जहां कृष्ण आए उस शुद्ध पवित्र रहे के चाहिए कि नहीं रहे के चाहिए। तो नहीं हाथ उठा के बोली रहे के चाहिए ना। तब तो मनोज तिवारी ठीक है कहता कि मथुरा भी सजने लगी है अब बंसी भी बजने लगी। बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा उत्तर प्रदेश हमारा, अरे सोचिए तो बांसडी भी इससे प्यारा क्या होगा। मनोज तिवारी आपसे बहुत कुछ नहीं कहना चाहता है। आप कागज कलम लीजिए और अपने मोबाइल हो तो मोबाइल में नोट करिए। 6 लाइन आपको याद रखना है। 5 साल में जोगी मोदी जी का कैले बाड़े इसको मैं नहीं रिपीट करना चाहता हूं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अगर अगले 5 साल में अगर आपकी कोई बहन कोई बेटी इंटरमीडिएट मेधावी अंक के साथ पास करती है माने 70% से ज्यादा नंबर लाती है तो जोगी जी उसके घर में इसको भिजवाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा एक मैनिफेस्टो है। क्या भिजवाएंगे, क्या भिजवाएंगे? स्कूटी के बात करो हो तो एगो लड़का हमसे पुछला सा गए रही है वहां दया संधुवर तेगो पुछला सा भैया तो हमनी के लैकन खातिन का बा। तो हमने कहा तुम्हारे आपको बहन है कि नहीं, बोली है दो ठो है। तो हमने कहा दोनों को पढ़ाओ दो स्कूटी आएगी। भैया हो दूसरी चीज नोट कर लीजिए, किसान जितना खेती करने के लिए बिजली उपयोग करेगा योगी मोदी का ऐलान है कि अब किसान को बिजली का कोई भी खेत सिंचाई करने वाले बिजली का बिल नहीं देना होगा, सब माफ कर दिया गया। पेंशन कितना मिलता, पेंशन में कितना रुपया मिलता? अच्छा कोई कहता 500 कोई कहता हाँ ठीक बाटे। अब जो पेंशन बाटे अब 1500 रुपया पेंशन करे के निर्णय हमारे योगी मोदी जी ले ले बाड़े। हो सके तो ताली बजा के उनका के धन्यवाद दी जा। 60 साल से प्लस जितना हमनी के माता जी लोग हुई कोई के अब ओकरा उत्तर प्रदेश परिवहन के बस में बैठला के कोनो भाड़ा नहीं खे लागे वाला, सारा फ्री कर दे बाटे। आप लोगन के मन हो तो एक बार ताली बजा दी जा। गरीब बेटी के शादी खातिर अब 1 लाख रुपया मिली। ओबीसी एससी प्रमाण पत्र लेवे खातिर अभी थोड़ा परेशानी होत रहा, अब आप जिस दिन एप्लीकेशन देंगे 15 दिन के अंदर आपको प्रमाण पत्र अवश्य मिल जाएगा, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। अब अभी तो देखो ना हमारे मीडिया के भैया लोग बैठे हैं, सब जाना तक कि मनोज तो निषाद भैया भी बता दे रिंकिया के पापा भी गौले बा, लेकिन हम तो यहू गौले बानी कि बलिया में लागल बाटे ददरी के मिलवा ये बलमुआ हमरो।
हम तो गावते रही ना, लेकिन देखा मैं जिस दिन गाया, अरे बलिया में लागल बाटे, पांच में चल गिल का हो, अच्छा चार दो, सजनवा हमरे अरे तानी दे तमेला खाए बलमुआ हमरे तानी दे तमेला खाए बलमुआ हमरे तानी दे तमेला खाए। अब देखो हम गाना गौले रानी, लेकिन जब बांस डी के मेला में ई हाल बा तो ददरी के मेला कैसन होत होई ये हम सोच सकीला। ए भैया आप सब लोगों से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं केतकी के बारे में जितना जानता हूं, जितना हम जानो तनी, हमारा पूरा विश्वास अभी बैठल बैठल मंच पे जो जो बड़े बुजुर्ग आ रहे थे पहले उनको बैठा रही थी, जबकि प्रत्याशी है उसको सबसे पहले आज बैठना चाहिए, वही विधानसभा का नेतृत्व करने जा रही है। लेकिन मैंने देखा केतकी बैठी नहीं, केतकी ने अपने हर बड़े को, हर प्रमुख अपने पदाधिकारी को पहले मंच पे बिठाया, कुर्सी दिया, अपने खड़ी रही। ऐसी हमारी बहन बेटी, इसको तो इतना वोटों से जिताइए कि इसका भी एक सम्मान बने। भैया मेरे, मेरी यही प्रार्थना है। अभी एक जगह और हमरा जाए के बा, हमरा बड़ा अच्छा लगा था जब प्रियंका जी कहतली कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो जोगी जी के धन्यवाद देता नहीं, ये जोगी जी आपने यूपी की बेटियों को इतना ताकतवर बना दिया कि आपने भी, प्रियंका जी ने भी बोल दिया मैं बेटी हूं, मैं बड़ी सुरक्षित महसूस कर रही हूं। योगी जी के लिए ताली बजा के उनका स्वागत करिए, सत्कार करिए। और याद रखी एगो गाना बा कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, अपने अपने जगह खड़ा हो जाइजा, जहां बाजे खड़ा रहे, दो मिनट में चलेंगे कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलसना चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा रख ले रैया जय जहां संसार में, गाड़ के झंडा रख ले रैया जय जहां संसार में। 3 मार्च के दिनवा बताई हमार छोटकी बहिन के तकी जीत के आई, बासडीह के प्यार में। एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। अरे अपने बूथ पे छप ले रही हा 3 तारीख के बयार में, अपने बूथ पे छप ले रही हा 3 तारीख के बयार में। एक बार दोनों हाथ उठा के बड़ी भारत माता, ले लेता हूं एक तो वीडियो सेल्फी लेना चाहता हूं आप लोगों की, एक तो सेल्फी ले ले, एक तो सेल्फी ले ले, जान मतला सेल्फी लेता नहीं, और तोरा के देयो दे, जब हम फेसबुक पे डालेंगे तो आप ले भी सकते हैं। मैं आप सबके पहले यहीं से शुरू करते हैं, खुश रहो, हमारे मंच के सभी लोग हमारे सेल्फी में आएंगे। और अब आप
इसमें बगल वाली नहीं कहना है, बांसडीह वाले मेरे भैया मेरी दीदी। अब मनोजवा सोचता या तो गल जाई कैसे, आ वही में कुर्ता खींचत रहसन, अब अपन पैजामा बचाई कैसे। मेरे भैया लोग हमें जाने का मौका देना, आप सभी लोग खुश रहिए, मेरी बहने मेरे भैया लोग कमल का बटन दबाएंगे केतकी को, कमल का बटन दबाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, केतकी को जिताएंगे, मोदी जोगी लाएंगे, केतकी को जिताएंगे। ओम नमः पार्वती पदय, बोली बोली भृगु बाबा की जय। कोनो गलती सलती हुई जीवन में तो क्षमा करिया जा, आपका सम्मान कभी नहीं कम होने दूंगा, ये मेरा विश्वास करिए।